एंड वेलकम टू कैरन्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो डियर फ्रेंड, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने आ गई हूँ। आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड मैं बता रही हूँ आज के बाद मैं ये रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत सारे इस रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बना दी है। लास्ट वीडियो है ये इस रिक्वेस्ट की, तो आप लोग प्लीज बार बार ये कमेंट ना करें कि ये वाली वीडियो बनाएं, बिकॉज ये वाली वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पे जा चुकी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उन वीडियोस को देखिए और कोई अच्छा सा कमेंट लेके आइए, कोई अच्छी सी रिक्वेस्ट लेके आइए, जिससे मैं जिसको मैं करूं। बार बार वही वही करने से क्या मतलब है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं करने वाली हूँ हैंकी टैकिंग वीडियो। तो मैं आज कॉटन की रुमाल से नहीं, ये मैं मेरी टॉवेल से करने वाली हूँ। और लो वेस्ट साड़ी पे हैंकी टैकिंग का रिक्वेस्ट आया था, तो वही आज मैं पूरी करने वाली हूँ। तो सो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके की कुछ साड़ी पहन रखी है। मुझे साड़ी पहनना उतनी अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैंने पहनी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इससे पहले मेरा एक मेकअप लुक गया था जो कि है वैलेंटाइंस डे स्पेशल, और एक क्रॉप टॉप और स्कर्ट में है, तो आप लोग उसको भी जाके जरूर वॉच कीजिएगा। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और भी जो मेरे मेकअप ट्यूटोरियल है उस पर भी जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है ये टॉवल मेरी, जो कि मैं यही टॉवल यूज करती हूँ, मेरी कॉटन की टॉवल। पे ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं था कि कॉटन पे बनाओ कि किस पे बनाओ, तो इसलिए मैंने ये टॉवल ली है। तो इनसाइड हैंकी टकिंग करना है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और प्लीज यार, मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग दूसरा कोई रिक्वेस्ट लेके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मॉडल तरीका बताना है सिंपल। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है और देन यहाँ पे इसको टक कर देना है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने मैचिंग लाई है। मेरी साड़ी का जो नीचे का वो है वो पूरा मतलब रेड है, तो एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की साड़ी है मेरी, आप लोग देख लीजिए ऐसे। तो इसीलिए मैं इसमें ये वाली टॉवल ली हूँ, ये वाली हैंकी ली हूँ। तो ये देख लीजिए, एक तरीका बताया मैंने, दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, सिंपल तरीका। कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ पे होस्ट लेना है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से टक्कर लिया है मैंने ऐसे, और पता भी नहीं चल रहा है। और ये मैंने साड़ी पहन रखी है, ये फुल वर्क की साड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की है एंड काफ़ी प्यारी साड़ी भी है। तो इसके बाद ये जो थर्ड पार्ट मैं बताने वाली हूँ, मतलब तीसरा तरीका, उन दोनों को इस तरीके से करके इसको ऐसे करना है। एंड इसका ये वाला जो कॉर्नर है, इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे टक कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से अपन टक कर लेंगे और ढक लेंगे, तो पता भी नहीं चलता है। एंड उसके बाद अपन करेंगे ये, देखिए ये 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 कुछ इस तरीके से एंड इसको भी इस तरीके से ऐसे टक कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टक कर लिया है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला था 10-15 स्टाइल बताना है, तो 10-15 बता रही हूँ। और बोल रहे थे कैमरा भी अच्छे से टक कर लो, तो कैमरा मैं खुद से रखाती हूँ, खुद से रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसलिए जैसा भी है आप लोग प्लीज मैनेज कीजिएगा, नहीं हो पाता है। मैं धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ, सीख रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही कर पाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे एक फिंगर रखना है, उसके बाद इस तरीके से कुछ इस तरीके की इसकी लेयर बना लेनी है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे। एंड इसको बराबर कर लेना है, एंड इसका जो इधर वाला पार्ट है जो फैला ना दिखे, उसको इस तरीके से टक कर लेना है यहाँ पे। तो ऐसे आप टक कर सकते हैं। एंड बहुत ही आसान तरीके हैं यार हैंकी टक करने का, कोई एक तरीका नहीं है, आप कैसे भी कैरी करो आपको अच्छी लगने वाली है। तो हाफ ऐसे करना है, हाफ ऐसे करना है, एंड देन इसको बीच से ऐसे मोड़ देना है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसका कोई भी कॉर्नर पकड़ के या फिर हाफ हाफ करके इसको कुछ इस तरीके से आप टक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से टक कर लिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरीके से टक करना। एंड मैं पूरी कैमरे में आ नहीं रही हूँ आई थिंक। एंड उसके बाद मैं एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, देख लीजिए, ऐसा हाथ से ही फोल्ड करेंगे ऐसा ऐसा। और इसके बाद क्या करना है, इसको
ऐसे करना है इस तरीके से। ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो गया है। एंड उसके बाद ये वाला यहाँ पे ऐसे टक कर लेना है। ये काफी प्यारा लग रहा है तो इसको भी ऐसे टक कर देना है। एंड उसके बाद क्या, एक बहुत ही पतली लेयर में बता रही हूँ, एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है। एक एक कॉर्नर इधर को आए और दूसरा कॉर्नर भी इधर को आए, मतलब दोनों अपोजिट साइड रहे। आप लोग देख सकते हैं ना, दोनों अपोजिट साइड हैं, तो इनको आपस में ऐसे करना है। एंड यहाँ पे पकड़ना है और इसको हाफ ऐसे टक कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग, एंड कुछ इसी तरीके से यार टक करना है। साइड क्या ही बताना, इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे भी आप टक कर सकते हैं, उधर साइड भी इधर साइड भी, तो ऐसे ही टक करना है, हैंकी टक करना। कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही कोई, मतलब बहुत ही आसान भी है, तो ऐसे ही टक कीजिएगा। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, दूसरी वीडियो भी जरूर देखा कीजिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दिया करिए और खूब सारा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। हमारी जो मेकअप ट्यूटोरियल आते हैं उस पर मेरा मेन फोकस है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। मेरी डेली ब्लॉगिंग को देखिए, आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।